हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं लीगल नोटिस, ये लीगल नोटिस के टाइप्स हैं। चाहे लीगल नोटिस हम ई कॉमर्स का मामला हो, चाहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मामला हो, तो हर किसी केस में हम लीगल नोटिस तो भेज ही सकते हैं। लेकिन मेनली अंतर क्या है, जैसे कि चेक बाउंस के जो केसेज होते हैं, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो केसेज होते हैं, उसमें लीगल नोटिस भेजना मैंडेटरी है। लेकिन जो अपने कंज्यूमर वाले केसेज होते हैं, उसमें जरूरी नहीं कि आप लीगल नोटिस भेजो। यदि आपका बड़ा मामला है, ठीक है, कि आपको लगता है कि हाँ भाई उनको लीगल नोटिस भेज के काम चल जाएगा, जैसे कि मान लो आपका 20-30 हज़ार का मामला है, तो हम लीगल नोटिस भेज सकते हैं। मान लो आपका मामला ही छोटा सा है, तो हम उसमें सीधा कंज्यूमर केस ही फाइल करते हैं, ठीक है। तो लीगल नोटिस ये हो जाता है भेजने से कि मान लो आपको केस फाइल करने से पहले आपको जो आपको रिकवरी करनी है पैसे की, या जो भी आपको रिलीफ चाहिए वो आपको मिल जाती है, ठीक है। मान लो कोई कॉलेज का मामला है, ठीक है, टीचर आपको पढ़ा नहीं रहा, या आपको जो वादे किए गए थे एजुकेशन के वो आपको दिए नहीं जा रहे, तो लीगल नोटिस के थ्रू भी आप भेजकर उनको कह सकते हो कि आपको ये सर्विस नहीं मिली और आप ये दिया पैसा रिफंड करिए या अच्छी सर्विस दीजिए। तो इस तरीके से भी एजुकेशन मामले में भी हम लीगल नोटिस भेज सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि देखिए, जैसे ये है, मतलब एक मामला है ये, मतलब एक बच्चे का है, ठीक है, जो कि हमने ड्राफ्ट किया था। तो इसमें जैसे कि यहाँ हम अपने एडवोकेट का नाम लिखते हैं, फिर अपनी क्वालिफिकेशन, एडवोकेट जो जहाँ का भी हो, चाहे वो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, तो वो मेंशन करते हैं। फिर अपना चैम्बर नंबर एंड ऑल, ठीक है। फिर जैसे कि रजिस्टर पोस्ट द्वारा कर रहे हैं, या ईमेल या व्हाट्सएप, तो हर किसी के थ्रू भी हम अपना लीगल नोटिस भेज सकते हैं। जरूरी नहीं कि रजिस्टर पोस्ट ही करना जरूरी है, जरूरी नहीं कि ईमेल करना जरूरी है, जरूरी नहीं कि एडी करें, जरूरी नहीं व्हाट्सएप, हम चारों भी कर सकते हैं उसको, चारों तरीक़ों से भी, चारों पाँचों तरीक़ों से भी इसको लीगल नोटिस पहुँचा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये यूनिवर्सिटी का मामला था, जिसमें एक बच्चे के साथ मतलब रैगिंग हुई थी, आउटरेज मोडेस्टी का केस था, ठीक है। तो उसमें हमने इससे केस मतलब उसके लिए फाइल किया था, मतलब इसका लीगल नोटिस ड्राफ्ट किया था, जिसमें हमने सब कुछ मेंशन किया कि इस तरीके से उसके साथ सब कुछ हुआ है, उससे रिलेटेड जो भी उसके पुराने केस थे उस यूनिवर्सिटी के, तो वो भी हमने मेंशन किए, ताकि उनको समझ आए कि हाँ, कि हमें आपका पता है कि आपके यहाँ पे इस तरीके की जो इलीगल एक्टिविटी है, जैसे कि रैगिंग, और जैसे कि यहाँ बच्चे को मतलब कहीं ना कहीं प्रोवोक किया जाता है गलत काम के लिए भी, मतलब इस तरीके कुछ केस था वो, कुछ मामला था, तो उसी के ऊपर हमने ये केस तैयार किया था, जिसमें हमने एक बच्चे के लिए रिलीफ मांगा था, साथ में लिटिगेशन जो हमारा लीगल नोटिस की कॉस्ट हमने इसमें तय की थी, साथ में हमने उसको मतलब जो भी था उसका इशू, उसके रिलेटेड उसके लिए रिफंड भी मांगा था। तो इस तरीके से केस मतलब लीगल नोटिस ड्राफ्ट किए जाते हैं। और जब लीगल नोटिस ड्राफ्ट होता है, यहाँ पे हम अपना जैसे कि अपना एडवोकेट का नाम और अपना चैम्बर एंड ऑल सब कुछ मेंशन करते हैं, अपनी स्टैम्प भी लगाते हैं, ताकि वो मतलब रेकोगनाइज हो कि हाँ, ये मतलब हमारे द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिग्नेचर करके एंड ऑल करके भेज देते हैं, ठीक है। तो ये जो था मतलब अलग अलग केसेज में अलग अलग तरीके से लीगल नोटिस तैयार होता है। लीगल नोटिस जो भेजा जाता है, मेनली इसलिए भेजा जाता है कि आप कोर्ट कचहरी के चक्रों से बच जाएं, और जो भी आपका मामला है वो हम उसमें बता देते हैं, ठीक है। इसमें ये बता देते हैं कि आप नहीं इसको अभी रिजॉल्व करोगे विद इन 15 डेज, जो कि 15 डेज का ही टाइम दिया जाता है, ठीक है। विद इन 15 डेज आप रिजॉल्व नहीं करोगे, तो 15 दिन बाद हम आपके ऊपर केस फाइल करेंगे। यदि आपको भेजना है सरकार के ऊपर केस फाइल करना है, कोई सरकार का मुलाजिम काम गलत कर रहा है, तो हमें 2 महीने का उनको टाइम देना पड़ता है। लेकिन यदि कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, तो हम उसको 15 दिन के बाद भी 15 दिन के बाद भी उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, यदि वो हमें रिलीफ 15 दिन के भीतर ना दे तो। इस तरीके से लीगल नोटिस तैयार होते हैं। लीगल नोटिस जो अपने होते हैं सरकार के ऊपर, वो अंडर सेक्शन 80 में होते हैं, लेकिन ठीक है, तो CPC के और अपने मतलब जैसे आपको मैं दिखा भी देती हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। जो CPC का अपना सिविल प्रोसीजर जो कोड है, ठीक है, तो इसमें जैसे कि पब्लिक ऑफिसर की बात, जैसे आप देख ही रहे, पब्लिक ऑफिसर और गवर्नमेंट ऑफिसर के हम अगेंस्ट CPC के तहत ही अपना कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और जिसमें हमें टाइम पीरियड देना पड़ता है, ठीक है, उसमें हमें उनको देना पड़ता है कम से कम टाइम कि अपनी वो हमें जो भी हमारा पैसा रिकवर करे या जो भी है, तो उनको 2 महीने का टाइम हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो ये है CPC का पार्ट, और कि भाई गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट कैसे फाइल करें केस। और जैसे कि यदि जैसे कि हमारे और भी अदर मामले होते हैं, जैसे हम हर किसी की जो केस के लिए ड्राफ्ट अलग होता है, उसमें पॉइंट्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है। यदि आपको भी हमसे केस ड्राफ्ट करवाना हो, या कोई कंज्यूमर केस फाइल करवाना हो, या चेक बाउंस से केस फाइल करवाना हो, या लीगल नोटिस पूछवाना हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। devanshikansal@gmail.id हमारी रहेगी। मेरा एक बार आपको मेंशन कर देती हूँ, हमारी ईमेल आईडी devanshikansal@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है।
तो आप हमें यहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं अपना केस कोई भी फाइल करवाने के लिए किसी भी तरीके का, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट केस हो या कोई लीगल नोटिस पूछवाना हो या चेक बाउंस केस हो या पोस्को केस हो, कोई भी आपको साइबर क्राइम का केस हो तो आप वो हमसे फाइल करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी आपको सिविल या क्रिमिनल कोई भी केस फाइल करवाना तो आप करवा सकते हैं, या आपको सिर्फ लीगल ड्राफ्टिंग करवानी तो वो भी आप हमसे करवा सकते हैं। उसके कुछ मिनिमम कॉस्ट लगेगा वो आपको बता दिया जाएगा मेल पे। तो आज की वीडियो में इतना ही।